हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पूरी के लेटेस्ट लॉन्च पूरी डिप्लोमेटिक रेसिडेंसीज के बारे में, जो कि आपको पड़ता है सेक्टर 111 द्वारका एक्सप्रेसवे पर। बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो पिछले एक से डेढ़ साल के अंदर ज़बरदस्त हाइप क्रिएट हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और बहुत ही ज़्यादा लॉन्चेज हुए हैं और सारे सक्सेसफुल लॉन्चेज हुए हैं और सारे के सारे आपके हाई एंड लग्जरी लॉन्चेज हुए हैं। रीजन है क्योंकि एक तो ये सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है जो कि आपको दिल्ली से कनेक्टिविटी देता है और दिल्ली की कनेक्टिविटी गुड़गांव के लिए हमेशा एक एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी दिखी गई है। जितनी दिल्ली से कनेक्टिविटी होगी प्रॉपर्टी में उतना अच्छा एप्रिसिएशन माना जाता है। और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे से जो आपकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जो सबसे मेन रीज़न है वो है आपकी अपकमिंग डेवलपमेंट्स। 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी, विजन सिटी हो गई, आपका हेलीपोर्ट हो गया, आपके एसईजीज हो गए, इस तरह की जो भी डेवलपमेंट्स है गुड़गांव के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट्स आपकी हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट्स है गुड़गांव के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट्स आपकी हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। और जो आपका अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी है उससे भी द्वारका एक्सप्रेसवे को काफ़ी फायदा मिलता है। जो नियरेस्ट आपका मेट्रो स्टेशन रहेगा 111 से, वो आपका रहेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि वहां से आपका 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो खासकर उन लोगों के लिए जिनको दिल्ली की कनेक्टिविटी चाहिए या दिल्ली से पास में प्रॉपर्टी चाहिए, उनके लिए पूरी डिप्लोमेटिक रेसिडेंसेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपमेंट। बात करते हैं पूरी की एज ए डेवलपर, तो पूरी कोई नया नाम नहीं है मार्केट के अंदर। पिछले 40 से 50 सालों से लगातार रियल स्टेट के अंदर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि दे आर नोन फॉर लग्जरी डेवलपमेंट्स। वो चाहे फरीदाबाद की बात हो, गुड़गांव की बात हो, गुड़गांव में ये सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए थे, उसके बाद इन्होंने जो लेटेस्ट लॉन्च किया था वो था आपका एक्सटेंशन रोड पे, जो कि अनदर हाईली सक्सेसफुल लॉन्च था। इससे पहले जो इनका द्वारका एक्सप्रेसवे का लॉन्च था बाय द नेम ऑफ पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, अपने टाइम पे सबसे महंगे लॉन्चेस में से एक था। आज प्रॉपर्टी बन के खड़ी है, अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी और वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन प्रॉपर्टी। जस्ट उसके साथ में ही ये 6 एकड़ की इनकी साइट है जहां पर इन्होंने लॉन्च किया है पूरी डिप्लोमेटिक रेसिडेंसेस, जहां आपको 6 एकड़ में 6 रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं, जिसमें से के 5 रेजिडेंशियल टावर्स इन्होंने पहले लॉन्च किए हैं। सारे के सारे में आपको एक ही जेंट्री मिलती है। 3.5 BHK अपार्टमेंट्स इसमें मिलते हैं, उसमें आपको अलग अलग साइजेस मिलते हैं। 2280 स्क्वायर फीट से आपका साइज स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू 2440। साइजेस की बात करूँ तो मैंने इनका सैंपल देखा है, बहुत ही अच्छे साइजेस इसमें निकाले हैं। लगता ही नहीं है कि 2400 स्क्वायर फीट के अंदर इतने अच्छे साइजेस आ सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप आइए, इन्होंने सैंपल अपार्टमेंट बनाया है, आप वहां पे एक्चुअल में फील ले सकते हो कि द अपार्टमेंट यू आर गोइंग टू बाय उसमें आपको किस तरह के रूम साइजेस मिलते हैं। और पूरी एक ऐसा डेवलपर्स है गुड़गांव के अंदर, अगर आप आज का सिनेरियो देखो तो कागजों पे ही चीजें बिक रही है। देयर इज नो सर्विस अपार्टमेंट, अभी कोई क्लब वगैरह किसी ने तैयार नहीं किया, लेकिन पूरी की आप जो भी लॉन्चेस देखोगे, चाहे वो इनका एक्सटेंशन रोड पे हो, वहां पर भी इन्होंने अपना क्लब हाउस तैयार किया था, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक फील मिलती है कि यार जिस लेवल के प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं वहां पे आपको किस तरह की एमिनिटीज मिलने वाली है। द सेम वे पूरे डिप्लोमेटिक रेसिडेंसेस के अंदर भी इन्होंने 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए होगा, पूरा बना के तैयार कर दिया है और उसके अंदर ही अभी इन्होंने एक सैंपल अपार्टमेंट भी बनाया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप आइए, इस सैंपल अपार्टमेंट को देखिए और आपको डेफिनेटली इसके जो साइजेस हैं वो पसंद आएंगे। रेरा इस प्रोजेक्ट का आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो EOI वाला लफड़ा है, जहां पर पहले आप EOIs देते हैं, 2 से 3 महीने वेट करते हैं, उसके बाद आपको कई बार अपनी मनपसंद की यूनिट मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो पूरी के अंदर ये वाली टेंशन नहीं है, रेरा आ चुका है। आप आके जो भी यूनिट फाइंड करते हो आप अपना चेक दे सकते हो, आपका चेक बैंक होगा और हाथों हाथ आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप उस कैओस से भी बच जाते हो। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो पेमेंट प्लान भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। विद इन 1 ईयर आपका सिर्फ और सिर्फ 25% पैसा जाता है, तो उन लोगों के लिए जो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी पूरी को देखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है एंड यूजर्स के लिए, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। 111 सेक्टर आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोल बन रहा है बिल्कुल उसके पास में ही लगता है, तो दिल्ली आपका बिल्कुल साथ से स्टार्ट हो जाता है, तो दिल्ली की कनेक्टिविटी यहाँ आपको बहुत ही शानदार मिलती है। मैक्सिमम लोग जो एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी चाहते हैं, जो एयरपोर्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और सेक्टर 111 में पूरी के पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है जहाँ पर इनके लगातार लॉन्चेज आते रहेंगे। विसिनिटी की बात
करूं तो विसिनिटी में ही आपको डिप्लोमेटिक ग्रीन मिल जाता है, स्मार्ट वर्ल्ड की टाउनशिप मिल जाती है, M3M की टाउनशिप मिल जाती है, उसके साथ साथ ही आपको ताशी कैपिटल गेटवे मिल जाता है, और भी बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, वो चाहे महिंद्रा हो, बहुत ही अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छी सराउंडिंग है, अच्छी लोकेशन है, तो पूरी अपने आप में काफ़ी अच्छा नाम है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेकर एमिनिटीज़ इनकी बहुत अच्छी रहती है, वो आप एक बार जब क्लब हाउस में आएंगे इस लोकेशन पे जो उन्होंने बना रखा है तो आपको भी कहीं ना कहीं वो फील आ जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट पूरी डिप्लोमेटिक रेसिडेंसेज। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स मेंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।